नमस्कार, शुभ समय एसएस न्यूज की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत। आज का विषय जो हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग द्वारा 27 अगस्त 2015 को एक सर्कुलर परिपत्र, जिसको मराठी में कहते हैं, वो निकाला गया और जिसमें 17 मार्च 2015 के एक असीम त्रिवेदी के मामले में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था क्रिमिनल डिपार्टमेंट का, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो डिवीजन बेंच मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से जो एक फैसला दिया, उसके आधार पर उस फैसले में पैराग्राफ नंबर 17 में जो कुछ गाइडलाइंस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कही गई थी, उस हिसाब से एक जो फैसला आया और उस फैसले के आधार पर जो परिपत्र निकला है, उसका मराठी ट्रांसलेशन के रूप में जो निकला है, उसको लेकर काफी विवाद है कि किस तरह से ये लागू होगा। अगर ये लागू होगा तो सरकार का विरोध करना या सरकार में बैठे हुए कुछ राजनीतिकों का विरोध करना भी देशद्रोह के गुनाह माना जाएगा और उसको उस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई करके उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। तमाम तरह की एक जो एक किदवंतियां इस महाराष्ट्र के अंदर फैली हुई है और हमने देखा उसको लेकर के, चाहे वो मीडिया हो चाहे राजनीति के रूप में हो, एक घमासान मचा हुआ है। अब इस चीज को क्लियर करना होगा कि ये जो सर्कुलर है, वो सर्कुलर निकला है 17 मार्च 2015 के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, और माननीय उच्च न्यायालय के उस आदेश में जो तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के एडवोकेट जनरल थे मिस्टर खंबाटा, उन्होंने गाइडलाइन अपने एक लिखित रूप में जो पेश की थी एफिडेविट के माध्यम से, वो उसको एज इट इज मराठी ट्रांसलेशन कर लिया गया। हो सकता है मराठी ट्रांसलेशन करते हुए एक दो शब्द कहीं यहीं हुआ, विशेषकर गाइडलाइन नंबर 2 में मुझे भी व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कुछ ट्रांसलेशन में एकाध शब्द की कहीं चूक हुई है, लेकिन वो गाइडलाइन मुख्यतः उस जजमेंट के आधार पर हुई है। वो जो अधिकारी वहां बैठा हुआ है, उसने वो परिपत्र अपनी मर्जी से नहीं निकाला। महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर महाराष्ट्र सरकार के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी ने, मिस्टर खंबाटा ने, जब अपने आदरणीय न्यायाधीशों के सामने ये कहा कि इस आधार पर हम एक गाइडलाइन लाएंगे कि आने वाले दिनों में किस आधार पर देशद्रोह सेडिशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और धारा 124A भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड में जो है, हम किस किस पर लगा सकते हैं। ये कहानी ये है कि आसिम त्रिवेदी अन्ना हजारे जी के आंदोलन में नवंबर 2011 में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मैदान में कुछ पोस्टर लेकर के अपना आंदोलन कर रहे थे, वो पोस्टर उनके द्वारा बनाए गए थे। अब पुलिस को ये लगा कि ये देशद्रोह का मुकदमा है, क्योंकि उसमें उन्होंने पार्लियामेंट के बारे में कुछ गलत सही दिखाया गया था और उनके ऊपर केस कर दिया गया। 2012 में नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हुआ और वो सरेंडर हुए, केस चला, और केस चलने के बाद जब न्यायालय ने पूछा कि आप सरकार का और सरकार की नीतियों का विरोध करना किस तरह से इसमें आता है देशद्रोह के दायरे में, हमें आप एक्सप्लेन कीजिए, तब आनंद फानंद में तत्कालीन जो सरकार थी उस समय निश्चित रूप से राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी, उन्होंने 124A यानी देशद्रोह का जो कलम थी वो उन्होंने वापस ले ली, और जो बॉम्बे पुलिस एक्ट या अन्य जो एम्बलम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ये जो भारत की जो हमारी चिन्ह है उनका जो क्या कहते हैं अपमान करने का जो एक्ट है वो उन्होंने रखा, बाकी जो मुख्य मुद्दा था वो देशद्रोह का वापस ले लिया। उसमें ये हुआ कि जब ये केस चल रहा था, जब उन्होंने वापस ले लिया, तब हमारे एक वकील हैं जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करके इन पर्सन अपियर होकर के कहा कि ठीक है इन्होंने वापस ले लिया, लेकिन ये भविष्य में निर्धारण होना चाहिए कि 124A जो देशद्रोह की कलम है वो किस किस पर लग सकती है और किन किन परिस्थितियों में लग सकती है। उसका फैसला करने के लिए न्यायालय ने फिर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र हुआ, उसमें चर्चा हुई कि 124A किस तरह से लग सकता है, भारत की जो संविधान है उसमें जो आर्टिकल 19(1)A है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप क्या क्या चीज स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जरूरत पड़ने पर देश हित में आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, देश हित में जो हमें न्याय व्यवस्था बनाए रखने में, हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए रखने में कोई ऐसी चीज न हो जिसमें अराजकता फैल जाए, ये तमाम जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो 19(2) आर्टिकल में लगाने के बाद अगर आप कोई चीज लाते हो तो वो 19(1)A में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हनन नहीं होता। इस तरह की चर्चाएं तमाम हुई और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार से कहा गया कि भाई आपने जो असीम त्रिवेदी पे जो एक्शन ली है उन पोस्टरों के आधार पर, वो हमें प्रथम दृष्टया लगता है कि वो अति हो गई है, तो इसीलिए सरकार ने वो सेक्शन वापस लिए और उन्होंने एक एफिडेविट के माध्यम से 2011 में 12 में सर एक एफिडेविट दिया और कहा कि हम इस आधार पर एक परिपत्र लाकर हमारे पुलिस के अधिकारियों को एक गाइडलाइन इश्यू कर देंगे और आने वाले दिनों में देशद्रोह का जो 124 का और A का जो मामला है
वो इसी आधार पर इस परिपत्र को गाइडलाइन मान करके केस दर्ज किए जाएंगे, जिसमें यह है कि मान लो कोई किसी पे केस दर्ज करना है तो लॉ ऑफिसर की वो अनुमति लेनी होगी, फिर उससे बड़े लॉ ऑफिसर की अनुमति लेकर उसके दो हफ्ते के अंदर ही वो केस किया जा सकता है। कोई पुलिस अधिकारी चाहता, कोई पुलिस थाना या बड़े से बड़ा अधिकारी चाहे या मंत्री चाहे तो उसको डायरेक्ट 124 से नहीं ले सकता। ये परिपत्र को हमें समझना होगा। दूसरी चीज, ये परिपत्र है, ये कोई नोटिफिकेशन या गवर्नमेंट का गैजेट में आया हुआ जीआर नहीं है। गवर्नमेंट का जीआर जो होता है उसको एक वैधानिक अधिकार होता है, वैधानिक आधार होता है, वो एक कानून की तरह काम करता है। जबकि सर्कुलर एक किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया हुआ गाइडलाइन, जो मौजूदा एक्ट है, कानून है, उसको किस तरह से लागू किया जाए उसकी गाइडलाइन है। अगर ये बात है तो परिपत्र हिंदुस्तान के संविधान में जो 19(1)(a) और 19(2) जो आर्टिकल है उससे ऊपर नहीं है। संविधान में जो 124(a) जो इंडियन पेनल कोड में लिखा है उससे ऊपर नहीं है। ये सिर्फ उतना ही है कि कैसे और किन परिस्थितियों में उसको लागू किया जाए उसकी एक परिपत्र यानी गाइडलाइन है। तो ये इतना हमको फर्क समझना होगा। उस फर्क को समझकर एक हास्यास्पद है कि मैं अगर कोई किसी मौजूदा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगा दूं तो मेरे पे देशद्रोह का गुनाह हो जाएगा। ये गलत है। ये न तो अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी लाने की कोई बात है, न कोई आपातकालीन जैसी व्यवस्था है। ये हमें इसको बैकग्राउंड में समझना होगा। और महाराष्ट्र सरकार ने ये परिपत्र इशू करते समय उसके साथ वो जो 17 मार्च 2015 का जजमेंट है वो भी एक अटैचमेंट के जैसे लगाया है। अगर हम उसको पूरा पढ़ें तो 17 में ये गाइडलाइन है, 16 पैराग्राफ में कोर्ट ने क्लियर कट लिखा है कि आप 124 ए को इतने लाइटली यूज नहीं कर सकते। आप किन परिस्थितियों में ये 124 देशद्रोह की लगाएंगे वो हमें बताइए। तो ये सारी जो न्यायालय की चिंता है, जो चर्चा है, और जो उस बैकग्राउंड में जिस भी ये जजमेंट आया है और फिर उसमें सर्कुलर आया है, हमें निश्चिंत रहना चाहिए कि इस तरह से कोई जनता के साथ अन्याय नहीं होगा, न होगा। आप राजनीति एक व्यवस्था हमारी प्रजातांत्रिक रूप से है। अब निश्चित रूप से प्रजातंत्र में हर नागरिक स्वतंत्र है। अगर वो सरकार के और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों के खिलाफ उनको लगता है कि कोई गलत नीतियां बना रहे हैं, उनका काम बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। प्रजातांत्रिक रूप से आवाज उठाना और शांतिपूर्ण तरीके से और कानून को दायरे में रहकर कोई आंदोलन करना बिल्कुल कहीं गलत चीज नहीं है, और उसको कोई आपको देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ, आप नक्सलियों की तरह आंदोलन करेंगे, खून खराबा करेंगे, तो निश्चित रूप से देश के सरकार का विरोध करते समय अगर आप नक्सल आंदोलन करोगे तो निश्चित रूप से 124 से ये लगेगा। तो आप फर्क समझ लीजिए, शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में किया गया आंदोलन कभी आपको 124 से देशद्रोह में नहीं ले जा सकता। ये निश्चितता माननीय मुख्यमंत्री ने भी कल प्रेस के माध्यम से देश को, राज्य के जनता को आश्वस्त किया। हमें उनके बात पे विश्वास करना चाहिए और आशा और विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में और क्लियरिटी इस बात में आएगी और जनता के बीच में जो भ्रम फैला है इस सर्कुलर को लेकर वो दूर होगा। जय हिंद।